हेलो एवरीवन, मैं शशि भूषण पांडे। वेलकम टू वर्चुअल ट्यूटोरियल। आज मैं रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको बताए थे, प्रॉपर्टीज, ठीक उसी से रिलेटेड समसन बनाने जा रहा हूँ। एम एल अग्रवाल के बुक से है ये, तो आप देखिए। सॉल्यूशन, इफ एज टू बी प्रोपोर्शन सीज टू डी, प्रूव दैट 2a प्लस 5b बाई 2a माइनस 5b इक्वल टू 2c प्लस 5d बाई 2c माइनस 5d। गिवन a इज टू b प्रोपोर्शनल c इज टू d इम्प्लाइज दैट a इज टू b इक्वल टू c इज टू d। हम इसके जगह पे इक्वल का साइन दे सकते हैं। इम्प्लाइज दैट a बाई b इक्वल टू सी बाई डी। ए बाई बी इंटू टू बाई फाइव इक्वल टू सी बाई डी इंटू टू बाई फाइव मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई टू बाई फाइव। हम यहाँ देख रहे हैं ए के साथ टू है और बी के साथ फाइव है, इसलिए हम टू बाई फाइव किए हैं। हर जगह पे आप देखेंगे यहाँ टू ए है, फाइव बी है, टू सी है, फाइव डी है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट, टू ए बाई फाइव बी इक्वल टू टू सी बाई फाइव डी। नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे, टू ए प्लस फाइव बी अगर हम कर देते हैं तो यहाँ टू ए प्लस फाइव बी आ जाएगा। मीन्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे कंपाउंड एंडो एंड डिविडेंडो। टू ए प्लस फाइव बी बाई टू ए माइनस फाइव बी इक्वल टू टू सी प्लस फाइव डी बाई टू सी माइनस फाइव डी बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये प्रूव्ड हो गया, टू ए प्लस फाइव बी बाई टू ए माइनस फाइव बी एंड टू सी प्लस फाइव डी बाई टू सी माइनस फाइव डी। कंपोनेंडो और डिविडेंडो, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी जो है हमने इसके पहले के वीडियो में डाला है, आप उसे ज़रूर देखेंगे, उससे आपके समझ में आएगा कि किस तरह से हम इसे निकालते हैं। क्वेश्चन टू, गिवेन ए इज टू बी प्रोपोर्शनल सी इज टू डी इम्प्लाइज दैट ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी इम्प्लाइज दैट ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। हम यहाँ देख रहे हैं ए के साथ फाइव है और बी के साथ इलेवन है, ठीक उसी तरह से सी के साथ फाइव है और डी के साथ इलेवन है, बोथ साइड, तो इसलिए हम फाइव बाई इलेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। ए बाई बी इंटू फाइव बाई इलेवन इक्वल टू सी बाई डी इंटू फाइव बाई इलेवन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई फाइव बाई इलेवन इम्प्लाइज दैट 5a इक्वल टू 11b 5a एंड 5c बाई 11d। अगेन हम स्टेप लेंगे 5a 11b मींस 5a प्लस 11b। हम इसे देखते हैं, देखने के साथ ही पता चल जाता है कि हमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करना है। 5a प्लस 11b बाई 5a माइनस 11b एंड अगेन 5c प्लस 11d एंड बाई 5c
minus 11d by componendo and dividendo फाइव ए प्लस इलेवन बी हम यहाँ देख रहे हैं फाइव सी प्लस इलेवन डी आना चाहिए। तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसे फाइव ए प्लस इलेवन बी बाई फाइव सी प्लस इलेवन डी इक्वल टू फाइव ए माइनस इलेवन बी बाई 5c माइनस 11d। आप देख रहे हैं 5a प्लस 11b 5c प्लस 11d। हमने क्या किया, हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज किया बाय अल्टरनेंडो अल्टरनेंडो, इसको अल्टरनेट कर दिया हमने यहाँ, और इसके बाद ये यहाँ चला गया प्रूफ्ड।